उड़ के मेरे को मार दिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब। मैं चंद्रेश, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रेश खुशी ब्लॉग पर। और सुबह का टाइम हो रहा है 7:30 और मैं उठ चुका हूँ, जैसा कि आपको बताएंगे। और खुशी कर दी किचन में काम, मेरे लिए चाय बना रही है और खाने की भी तैयारी कर दी। जैसे कि आपको पता ही, मैं ऑफिस जाता हूँ, इस वजह से वो खाना बनाती है सुबह सुबह उठ कर। और अभी खुशी ले रही है चाय, सुबह की चाय, हमारी चाय लेके आएगी अभी, और फिर हम पियेंगे चाय। चाय पीने के बाद मैं नहाऊंगा, नहाने के बाद अपना रेडी होऊंगा, रेडी होने के बाद खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद वापस, और देखते हैं क्या होता है आज की वीडियो में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं किचन में थी, जैसे कि बताया हुआ उन्होंने आपको, चाय बना रही थी, देख सकते हो चाय आज की है, और साथ में मटरी भी है चाय के, और मटरी भी खाते हैं चाय के साथ। हाँ, क्या सूजी हुई लग रही है तुम्हारी, कैमरे में ज्यादा ऐसे कम लग रही है, कैमरे में ज्यादा लग रही है सूजी हुई। सच में सूज रही है, पता नहीं क्यों आज सूज रही है। नींद पूरी नहीं हुई है, सही है। पता नहीं रात में नींद नहीं आती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही, होली आने वाली है, होली पे कितना अच्छा लगता है। और चलो हम चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद बात करते हैं इस बारे में। देखिए गरम गरम पानी लेके जा रहे हैं। इतनी गर्मी नहीं आई अभी, सुबह सुबह ठंडी लग रही है। तो जब तक वो नहा कर आते हैं, जब तक मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि इनका टाइम हो गया, ऑफिस जाएंगे, इसलिए मैं बनाऊंगी खाना, फिर बात करते हैं आपसे। जब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, जाके सब्सक्राइब कर लें। गाइस, मेरे हबी आ चुकी हैं नहाकर, और ऊपर पूछा दिखाती हूँ आपको। जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो आज है मंगलवार, हनुमान जी का दिन, तो वो पूजा करते हैं हनुमान जी की, और पूजा करके खाएंगे खाना, फिर जाएंगे ऑफिस। आगे का प्लान क्या है वो आप वीडियो में देखना, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, मैं नहा के फ्री हो चुका हूँ, और पूजा भी कर ली मैंने। अब पूजा करने के बाद मैं बैठ गया हूँ खाना खाने। ये देखिए, ये आलू मेथी और ये पराठे। मैं सीजन जा रहा है मेथी का, तो आलू मेथी को ना खाते हैं, इस वजह से मैंने कहा था रात को सब्जी लेके आते किसी से कि आलू मेथी लेके चलते हैं, क्योंकि मेथी का सीजन जा रहा है। और अभी मैं रेडी नहीं हुआ है, खाना खाने के बाद रेडी होता हूँ, जैसे आपको पता ही है। अब मैं खाना खाऊँ, खाना खाने के बाद ऑफिस जाऊँगा, उसके बाद देखते हैं दिन का सीन क्या है। मैं रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए, बैग में टंग चुका है मेरा, और अब मैं निकल रहा हूँ ऑफिस। और जी बैठी हुई है, काम कर रही। कौन सी सोच में, क्या की सोच चल रही है भाई? कोई नहीं दोस्तों, मैं निकलता हूँ, दिन का सीन देखते हैं क्या होता है। हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ ऑफिस से घर, और टाइम हो रहा है शाम के 5:30। आके मैंने कपड़े भी उतार दिए, और जी आई बैठी है, वैसे फोन चला रही है, चाय पी रही है अभी। और जैसा कि दोस्तों, आज मैं सुबह की बात बताता हूँ आपको। आज सुबह में जा रहा था, तो एक पुलिस वाले अंकल जी ने मेरे को रोका लिफ्ट के लिए, लिफ्ट मांगी मेरे से, तो मैं उनको बैठा के ले जाता। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक ऑटो वाला था कि जिसने ऑटो रोका नहीं था, पुलिस वाले अंकल जी ने हाथ दिया था, ऑटो वाले ने रोका नहीं, तो ऑटो पुलिस वाले अंकल जी ने मेरे से बोला था कि इस ऑटो वाले को पकड़ना है। मैं, अंकल जी आप बैठिए, और मेरे पास तो स्कूटी थी, बाइक भी नहीं थी। अब वो पहले तो बहुत आगे निकले, मैं अंकल जी बाइक होती तो मैं पकड़ लेता। फिर मैंने अपनी बाइक, अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ाई, और पुलिस वाले अंकल जी थे, इंस्पेक्टर थे विस्टार, तो मैंने क्या कहते हैं, फिर ऑटो वाले के आगे मैंने अपनी स्कूटी लगाई, मैंने पकड़ लिया। पुलिस वाले अंकल जी ने ऑटो वालों को बहुत सुनाई कि तेरा चालान कटवाऊँगा, वो कटवाऊँगा, क्योंकि गलती ऑटो वाले की थी। जब कोई भी सवारी हाथ देती है तो ऑटो वाले को रोकना चाहिए, लेकिन बहुत से होते हैं कि पुलिस वालों को देख के रोकते नहीं है, क्योंकि वो पुलिस वाले पैसे देते नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमेशा पुलिस वाले हैं, आर्मियों को लिफ्ट वगैरह देनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की सेवा में लगे रहते हैं। सही कह रहा हूँ ना? गुड, तालियां। मैं हमेशा कहीं नहीं जाता हूँ, कोई भी लिफ्ट देता है, ये नहीं कि पुलिस वाला देता नहीं है, मांगता है। कोई मांगता है, सॉरी, कोई मांगता है लिफ्ट, पुलिस हो, कोई आम आदमी भी हो, मैं कभी भी किसी के लिए मना नहीं करता हूँ। तो अब मैं चाय पीता हूँ, और हमेशा दोस्तों सबकी मदद करनी चाहिए,
कोई भी हो, गरीब अमीर सबको एक समान समझना चाहिए हमको, तो हमको कभी किसी को छोटा कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। सही बात है, सही करो ना। अब मैं चाय पीता हूँ दोस्तों। दोस्तों हम जा रहे हैं वैक्सीन की सेकंड डोज लगवाने, फर्स्ट तो हमारी लग चुकी थी दिसंबर में और सेकंड का टाइम हमारा निकलने वाला है क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता था। तो अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे शाम 6-7 बजे तक वैक्सीन लगती है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ अब वैक्सीन लगवाने। माँ के भी अभी देखना वीडियो बनाएंगे, निकलते हैं हम। देखिए अभी रेडी हो गई, हम निकल रहे हैं। तो दोस्तों आज के हॉस्पिटल में हम वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। पता नहीं पड़ेगी, इधर देखो अब मेरी बारी है। इतनी खुशी मुझे गाइस, मेरे तो लग गई वैक्सीन, अब लग रही है 3-4 गाइस। थोड़ी प्रॉब्लम आ गई इनकी वैक्सीन के लिए, हम लोग बैठे हुए हैं। बच्चों की तरह करते हो, बस लग गई। हमारी सेकंड डोज भी कंप्लीट हो गई, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, धीरे-धीरे लगा, पता भी नहीं लगा कब लगी वैक्सीन मेरे। उसको मेरे भी वैक्सीन लग चुकी, मेरे को सुई से बहुत डर लगता है क्योंकि मैं लगवाता नहीं हूँ सुई कभी। तो हम निकल रहे हैं घर के लिए, जिससे मेरी हालत देख सकते हो सुई से कैसी हालत होगी मेरी। दोस्तों हम जा रहे थे घर, तो रास्ते में किसी को गन्ने का जूस पीना था, तो मैंने उसे गन्ने के जूस के लिए रोका। निकल रहा है गन्ने का जूस और वह हम पियेंगे। हम पीने गन्ने का जूस, अच्छा लगा, नॉर्मल। दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर पे और ये देखिए मौसी ये बैठी हुई है अभी, और ये मम्मी, ये करिए मंजन, और ये भाभी दोनों एक उजक के देख रही हैं, एक मंजन कर रही है। अभी हम मैं बैठ गया हूँ, अभी पियेंगे हम चाय घर वाली। चाय चाय वाली कितनी देर में चाय आएगी मेरी? चाय चाहिए, जल्दी बना ले चाय पियेंगे हम। और देखो देखिए लली को, देखिए लालू को, हमारी को कैसे सो रही है देखो। फोन देख रही थी, फोन देखते देखते सो गए, फोन का बहुत शौक है तो फोन देखते देखते सो गए। दोस्तों हमारी लालू उठ चुकी है, देखिए रो रही है, उठ के मेरे को मार दिया। ये देखिए एक मेरा छोटा भतीजा बहुत उद्यमी है, देखिए नंगा बैठ के वीडियो देख रहा, फोन चला रहा। देखिए आज कल के बच्चे फोन के सेवा कुछ आता ही नहीं है। सिद्धार्थ, अरे सिद्धू देख रहा नहीं है, बहुत ही ज्यादा बिजी है फोन में वो।